सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एप सोल्यूशन। दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और आपको पता नहीं कि आपको कितना वॉच टाइम हो गया है अपनी चैनल पे, या आपको पता नहीं कि आपको कितने टोटल व्यूज आ गए हैं, तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से वॉच टाइम पता चल जाएगा और सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स भी, लाइफ टाइम कितनी आपको वॉच टाइम आया है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल मोनिटराइजेशन के लिए आपको 4000 वॉच टाइम आना चाहिए और उसी के साथ आपको 1000 सब्सक्राइबर्स आनी चाहिए, तभी आपकी चैनल मोनिटराइज हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी चैनल को गूगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे अपना यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको इस ऐप में जाना होगा। तो यहाँ पे आपके पूरे सब्सक्राइब दिख जाएंगे कि आपको कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं। तो यहाँ पे आता है नीचे एनालिटिक, तो इसमें जाना होगा। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको पहले ही व्यूवर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऊपर लास्ट 28 डेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रखना है लाइफ टाइम, यानी कि जब आपने चैनल बनाई तब से कितने व्यूज आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कितने व्यूज आ गए हैं। मेरे चैनल को 1 साल पूरा हो गया, तो यहाँ पे ये क्लियरली दिखाएगा और यहाँ पे आपको चार्ट भी दिखाएगा कि आपको व्यूज कब कितने ज्यादा आ गए हैं। तो यहाँ पे आपने व्यूवर्स पूरे देख लिए कि आपको कितने व्यूवर्स आ गए आज तक। इसके बाद यहाँ पे आपको साइड में जाना है, तो यहाँ पे आता है वॉच टाइम। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से लास्ट 28 डेज का ये यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज में मुझे 31 आवर्स आ गए। अब अगर आपको पूरा लाइफ टाइम देखना है तो यहाँ पे आपको इसी तरह से अपने एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा मैप दिखाएगा और इसी के साथ वॉच टाइम भी दिखाएगा कि आपको कितना वॉच टाइम आ गया है आज तक। तो यहाँ पे मेरे को 340 घंटे आए हैं, 4000 घंटे आने चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे आप इसमें बहुत सारी सेटिंग कर सकते हो इस ऐप में।